और पशु परिचर वालों तैयारी कैसी चल रही है? मेरे हिसाब से दोस्तों पशु परिचर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और जो ये सोच के बैठा है कि मैं बाद में तैयारी करूंगा, कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जाम आएगी तब तक उसकी तैयारी होगी नहीं, तो बाद में जाके वो विफल होने वाला है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो मेरे पास डाउट आ रहा है, सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा है वो ये आ रहे हैं कि पशु परिचर का जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर कहीं पर भी पॉलिटी का वो जिक्र है वो नहीं किया गया है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे? यदि आएंगे तो कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और आएंगे तो पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ सकेंगे, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। दूसरे नंबर सजा डाउट आ रहा है, वो डाउट ये आ रहा है कि करंट अफेयर्स हम राजस्थान के पढ़े, इंडिया की पढ़े, और कितने महीने की हमको पढ़नी पड़ेगी, कब से पढ़े, तो दोनों डाउट आपके आज मैं क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों पशु परिचर की आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जब सिलेबस में जाके देखोगे तो वहां पर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है पर्सनल दोस्तों कि हम पॉलिटी के क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, सिलेबस के अंदर यह जरूर बताया गया है कि सामाजिक अध्ययन के हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान पुलिस के अंदर बताया गया था सामाजिक अध्ययन के, तो वहां भी दोस्तों पॉलिटी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब आप ऐसे मत सोचना कि यहां पर पॉलिटी हमको बताई नहीं है तो पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जहां पर सामाजिक अध्ययन लिख दिया ना, वहां पर दोस्तों कहीं से भी पॉलिटी से, इतिहास से, हिस्ट्री से, राजस्थान जीके से, कहीं से भी क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो वापस बोल रहा हूं, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, लेकिन इतने नहीं बनेंगे दोस्तों जैसे राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति और भूगोल के बनेंगे। इतने क्वेश्चन आपके पॉलिटी के नहीं बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे जरूर। अब कितने बन सकते हैं दोस्तों पॉलिटी क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों भाग ए के अंदर जो आपसे पूछा जाएगा वो राजस्थान जी के बता रखी है, इसके अलावा मैथ और साइंस बता रखे, करंट अफेयर्स बता रखे, इन सभी के मिलाकर 105 क्वेश्चन वो आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं लगभग दोस्तों पॉलिटी के आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं दोस्तों 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, तो 3 से 5 क्वेश्चन आपसे पॉलिटी के पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका जो लेवल रहेगा दोस्तों, क्योंकि सामाजिक अध्ययन लिख रखा है ना, तो लेवल रहेगा वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटी के अंदर जो कहीं ना कहीं दोस्तों और एग्जामों के अंदर पहले पूछ लिए गए हैं, तो ऊपर ऊपर से आपको पढ़नी है, डीपली आपको नहीं पढ़नी है, और ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है कि ऐसे नहीं है कि रोजीना 3-3, 4-4 घंटे आप पॉलिटी को दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है दोस्तों पॉलिटी के, वो सभी के सभी आपको पढ़ने हैं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है पॉलिटी के, उसकी मेरी एक छोटी सी वीडियो अलग आने वाली है, वो कल आपको मिल जाएगी, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो चैनल पे जाके देख लेना। तो पॉलिटी का मैंने आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे तो कितने आएंगे, और कौन कौन से टॉपिक पढ़े और कैसे पढ़े, इसके ऊपर हमने बात कर ली है। दूसरे नंबर सब्जेक्ट डाउट आ रहा है कि करंट अफेयर्स हम राजस्थान के पढ़े या इंडिया के पढ़े। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स आपको राजस्थान की पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ले रहा है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो इंडिया लेवल का पूछता है, करंट अफेयर्स में राजस्थान के पूछता है, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं। इंडिया लेवल के क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछता है, कोई भी एग्जाम को उठाकर देख लो, करंट अफेयर्स के ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे वो इंडिया लेवल के बनेंगे। तो आपको जो करंट अफेयर्स पढ़नी है वो राजस्थान की भी पढ़नी है और इंडिया की पढ़नी है। अब सब्जेक्ट डाउट आएगा कितने महीने की पढ़े, दोस्तों आपकी जो एग्जाम है वो दिसंबर के महीने में है, तो आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 को आपको जनवरी से और नवंबर तक की करंट अफेयर्स पूरी पढ़नी है, राजस्थान की पढ़नी है और इंडिया की पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों बहुत का डाउट ये आएगा कि अभी से हम पढ़े या फिर हम सितंबर अक्टूबर में करंट अफेयर्स पढ़े, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी अपना समय करंट अफेयर्स पे मत गवाओ, और सब्जेक्ट पे आप समय बर्बाद करो। अभी आपको जो पकड़ बनानी है वो और सब्जेक्ट पे बनानी है, जैसे मैथ हो गई, राजस्थान जी की हो गई, साइंस हो गई, पशुपालन हो गया, यहाँ पर आपको अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे। तो आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में दोस्तों, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, और 3 महीने आप बहुत अच्छे रोज 1.5-1.5 घंटे देते हो, तो आप जनवरी से और नवंबर तक की है वो करंट अफेयर्स पूरी तरह तैयार है वो कर सकते हो। मैंने आपको दोनों डाउट आ रहे थे करंट अफेयर्स को लेकर और पॉलिटी को लेकर, दोनों मैंने आपको खत्म कर दिया। अब नंबर आ रहा है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे, मैं वापस बोल रहा हूं राजस्थान के दोस्तों एकमात्र ऐसी भर्ती है जो बिना सीईटी के है, और यहाँ पर सिलेक्शन लेना भी बहुत आसान है। मैं भी मानता हूँ दोस्तों कट ऑफ अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम लेने जा रहा है, और दूसरी बात है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर 17.5 लाख से ज्यादा फॉर्म आए हैं, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो तैयारी करते रहो, जो लगातार तैयारी कर रहा है कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन है वो जरूर होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके दोस्तों उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।